पेश हैं हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा के सोहना के सामर्थला गांव में विकास रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही सभी सरकारी अधिकारियों को स्मार्ट वॉच पहनना जरूरी होगा, जिससे ड्यूटी के दौरान उनके लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा वे इस वॉच से ही अपनी हाजिरी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अगर कोर्ट के 2018 के वन भूमि संबंधित फैसले का अनुपालन किया गया तो गुरुग्राम व फरीदाबाद के कई इमारतें गिरानी पड़ जाएंगी। हरियाणा में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने हरियाणा में दो दिन की बारिश की संभावना जताई है, जिसको देखते हुए किसानों की चिंता और भी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस बार धान की खेती अच्छी हुई थी, लेकिन भारी बारिश के चलते धान की फसल पानी में गिर गई। कोरोना काल में बंद पड़ी सिटी बसों को दोबारा शुरू करने के लिए कुरुक्षेत्र रोडवेज डिपो ने फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकती है। बता दें कि यात्रियों को पिपली के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड गेट तक जाने के लिए 30 रुपये की बजाय 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हरियाणा के झज्जर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से 11 हथियार और 212 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।